हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस के पेपर 2 में आए हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइस टू गेट अ पेन एंड पेपर विद यू, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी मेजर टॉपिक्स हैं जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताती रहूँगी। जस्ट राइट डाउन देम इन योर कॉपी, जिससे आप एंड टाइम पर एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस पक्का रिपीट होंगे उन टॉपिक्स में से। सो जस्ट स्टिक टू मी थ्रू आउट दिस वीडियो टू द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विच इज अ करेक्ट फूड चेन इन द एंटार्क्टिक इकोसिस्टम, हमें बताना है एंटार्क्टिक इकोसिस्टम के अंदर करेक्ट फूड चेन क्या होता है। फाइटोप्लांकटन को क्रिल खाएगा, देन क्रिल को कार्निवोरस प्लांकटन, नो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। फाइटोप्लांकटन को क्रिल खाएगा, क्रिल को कार्निवोरस प्लांकटन खाएगा, कार्निवोरस प्लांकटन को स्क्विड खाएगा, स्क्विड को एलिफेंट सील खाएगी, और एलिफेंट सील को लेपर्ड सील खाएगी। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। आपको जितने भी फूड चेन्स हैं, मोस्टली जो मेजर फूड चेन्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। सो ऑलवेज द स्मॉलर एनिमल गेट्स ईटन बाय द लार्जर वन। तो अगर आपको साइज के बारे में भी पता होगा एनिमल्स के, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये फूड चेन इस तरह से हो रहा है। सो जस्ट पे सम फोकस ऑन द फूड चेन्स दैट आर गिवन इन योर बुक्स, और या फिर आप इंटरनेट पे डिफरेंट फूड चेन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे एक्वाटिक फूड चेन हो गया, या टेरेस्ट्रियल हो गया, या ग्रासलैंड में कौन से फूड चेन होते हैं, या फिर फॉरेस्ट में कौन सा फूड चेन होता है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे काफ़ी सारे फूड चेन्स अवेलेबल हैं। अब एक अजर्शन रीजन है हमारे पास कि फॉस्फोरस साइकिल, अजर्शन सेज द फॉस्फोरस साइकिल इन एन इकोसिस्टम इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल्स वो होती हैं जिनके अंदर रॉक्स से जो भी मिनरल है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है। ठीक है, रॉक्स पहले वेदर करेंगी, रॉक्स वेदर करेंगी तो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगी, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगी तो जो न्यूट्रिएंट्स उन रॉक्स में प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे डिस्पर्स करेंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होंगे बाय एनी मीडियम, बाय विंड और वाटर, वॉट एवर मीडियम दे वुड गेट। तो सेडिमेंट्री साइकिल्स जो होती है वो मोस्टली रॉक्स की वेदरिंग से रिलेटेड होती हैं। ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल मोस्टली गैशियस स्टेट में फाउंड होती है, जैसे कार्बन की, ऑक्सीजन की साइकिल्स होती है। सेडिमेंट्री साइकिल्स आर डिफरेंट। तो फॉस्फोरस साइकिल इन एन इकोसिस्टम इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, दिस अजम्पशन इज ट्रू। रीजन क्या बोल रहा है, फॉस्फोरस डज नॉट अकर नेचुरली एज अ गैस। ये बात भी बिल्कुल सही है कि फॉस्फोरस नेचुरली गैस की तरह अकर नहीं करती है, बट क्या ये रीजन हमारे अजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो नहीं। अजर्शन, द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द अजर्शन। सो हियर द आंसर वुड बी बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन गिवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया वेयर टू मेजर कम्युनिटीज मीट एंड ब्लेंड टूगेदर इज टर्म्ड एज, जहाँ पे दो कम्युनिटीज मिल रही हैं और ब्लेंड हो रही हैं एक दूसरे के साथ, उसको बोला जाता है इकोटोन, दैट इज नोन एज इकोटोन। इकोटाइप के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल वेराइटी पॉपुलेशन और रेस विद इन अ स्पीशीज विच इज जीनोटिपिकली अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इकोटाइप का मतलब क्या है, एक ही स्पीशीज की थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म, जो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी की वजह से उसके जेनेटिक मेकअप में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती है पर जेनेटिकली डिफरेंट फॉर्म है, सो दैट वुड बी द इकोटाइप। बायोटाइप क्या होता है, ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग एन आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, तो दैट वुड बी अ इकोटाइप। जहाँ पे बिल्कुल सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वुड बी अ बायोटाइप। सो जस्ट लर्न दीज टर्म्स, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जस्ट लर्न दीज द डेफिनेशन ऑफ ऑल द टर्म्स गिवन। इंडियन वुल्फ हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट एनिमल बिकॉज इट्स नेम अपियर्स इन द रेड चार्टा बुक। इट इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ फूड चेन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फॉरेस्ट। Wild dogs disappeared due to their presence. It has been chosen as a state animal. So the answer here is its name appears in the red data book. Means its existence is in danger. इसी वजह से ये red data book में appear हुआ है. So Indian wolf has become an important animal because its name appears in the red data book.
द सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन आर पावर प्लांट्स, कूलिंग फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ऑल ऑफ दीज. ये सारी चीज़ें थर्मल पॉल्यूशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो रिलीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो वो पावर प्लांट से भी होता है, कूलिंग फॉरेस्ट से भी होता है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से भी होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ. तो यहाँ पे आपको कुछ रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे हाफ लाइफ भी मेंशन कर दी, ये इनकी हाफ लाइफ है. तो आप पता लगा सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट है. तो कार्बन 14 हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ अमंग ऑल ऑफ दीज गिवन, और मैंने स्ट्रॉन्शियम 90, आयोडीन 131 और सीजियम 137 की भी हाफ लाइफ्स यहाँ पे आपको दे दी हैं. वॉकली एंड ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ. वॉकली और ब्लैक का हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि उसमें कौन से केमिकल्स यूज होते हैं. यहाँ पे हमें बताना है कि वो किसके एस्टिमेशन के लिए यूज होता है. सो इट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन और द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल. ठीक है, तो वॉकली और ब्लैक से हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट का पता लगा सकते हैं सॉइल के अंदर. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडो एंजाइम इन द सॉइल. हमें एंडो एंजाइम्स के बारे में बताना है. तो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, वन इज एंडो एंजाइम एंड द अदर इज द एक्सोएंजाइम. एंडो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल उनको प्रोड्यूस कर रही है वो उस सेल के अंदर ही रहते हैं. एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं, जो सेल उसको प्रोड्यूस कर रही है वो उस सेल से बाहर निकल जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडो एंजाइम एंड द एक्सो एंजाइम. और यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज डीहाइड्रोजनेस. सो डीहाइड्रोजनेस इज द एंडो एंजाइम प्रेजेंट इन साइड द सॉइल. ओके, सो दिस इज प्रेजेंट इन साइड द सॉइल and it plays in a major role in the biological oxidation of the soil organic matter. जो soil organic matter है उसके biological oxidation के अंदर dehydrogenase काफ़ी vital role play करता है. वो क्या करता है कि वो H आयन को transfer कर देता है organic substrate से inorganic substrate में. So इसका काम क्या होता है, transfer organic substrate है, I'm writing it ORG, substrate से लेगा वो क्या H आयन. ओके, और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के अंदर. ठीक है, तो इसका मेन काम ये होता है और इसी वजह से इसको ऑक्सीडो रिडक्टेस एक्टिविटी भी बोला जाता है कि इसकी ऑक्सीडो रिडक्टेस एक्टिविटी होती है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट इन द ईयर 1976. तो 47 यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 42nd अमेंडमेंट कब आया था, इट वॉज वॉट इन 1976 एंड उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि उसके साथ देर वॉज एन इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 48A एंड द 51A. ठीक है, 48A और 51A का इंसर्शन हो गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सो वी विल सी वॉट इज द 48A एंड 51A. 48A says protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife के बारे में बात कर रहा है वो. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. State की responsibility होती है और state को ध्यान रखना पड़ेगा और improve करना पड़ेगा अपने environment को और जो forest और wildlife है country के और उस state के अंदर आते हैं उसकी भी रक्षा करनी होगी. So that is all about the 48A. Okay, now the 51A says it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. It shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem. तो जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है वो 48A है और बाकी ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म साइंटिफिक टेंपर के बारे में जो बात कर रहा है इट इज 51A. हु इशूज द इकोमार्क नोटिफिकेशन. तो इकोमार्क जो आपका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है या फिर उसका जो हार्म है बहुत मिनिमल है, तो इकोमार्क उस प्रोडक्ट को दिया जाता है. तो इकोमार्क इज बीइंग इशूड बाय द Bureau of Indian Standards. Okay, so Bureau of Indian Standard issues the ecomark to any product. Now, out of the following humic groups, which is not soluble in both acid and alkali. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका fulvic acid है, it is soluble in both acid and alkali. It is soluble in both. Okay, humic acid की बात करें, तो it is soluble only in alkali.
ओके ये सिर्फ एल्कलाई में सॉल्युबल है, और जो ह्यूमन है इट इज इनसॉल्युबल इन बोथ. सो द आंसर इज दिस. आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनसॉल्युबल जो इट इज नॉट सॉल्युबल इन एसिड बोथ एंड एल्कलाई. तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है रिपीट अगर ये क्वेश्चन होगा. सो इट कुड बी रिपीटेड एज आउट ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिक ग्रुप्स विच वन इज सॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड एल्कलाई. तो आप फल्विक एसिड बताएंगे, और जो सिर्फ एल्कलाई के अंदर सॉल्युबल है तो आप ह्यूमिक एसिड बताएंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन get the everyday updates, and please share it with your friends and like this video, and thank you very much for watching.